जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा आत्मा की आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडी गठबंधन का ही कैरेक्टर है कि वह भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं, वह हर प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं जो भारत के बहुसंख्यक समाज जिसमें अपमानित महसूस करे। और यह कांग्रेस का जो आचरण है इंडी गठबंधन से जुड़े हुए घटकों का, चाहे वह कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, इन सब का जो ये आचरण है, ये आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि देश का हर व्यक्ति, हर राम भक्त और हर राष्ट्र भक्त कांग्रेस के इस आचरण के कारण ही कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रहा है।